आचार संहिता की आड़ में पुलिस कैसा कैसा अनाचार कर रही है, इसकी एक बानगी देखी मुरादाबाद में। चेकिंग के नाम पर दो बेशर्म पुलिस वालों ने दिल्ली के कारोबारी से 1 लाख रुपए लूट लिए। कारोबारियों ने इसकी खबर मुरादाबाद के एक व्यापारी को दी। मामला बढ़ा तो लुटेरे पुलिस वालों को लगा फंस जाएंगे, ऐसे में बेशर्मी के साथ पहुंच गए मनुहार लगाने स्थानीय पार्षद के यहाँ। और फिर क्या था, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस वाला पार्षद के पैरों में दंडवत हो गया, पैरों में लेटने लगा, जिसकी पार्षद ने वीडियो बना ली और वायरल कर दी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने दोनों पुलिस वालों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है, दोनों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो चेकिंग के नाम पर कारोबारी से लूटे 1 लाख रुपए। और फिर जब बात बिगड़ने लगी और लगा कि अब कुछ और हाल हो सकता है, तो फिर पार्षद के पैरों पे गिर गए। दोनों पुलिस वालों के खिलाफ फिलहाल लूट का मुकदमा दर्ज हो गया है। वो सुबह 1 लाख रुपए लेकर अंसार भाई से चला, जिसको कोतवाली के दो सिपाही जयप्रकाश और मोतीलाल ने रिक्शा में उतार लिया। ऐसे ऐसे मेरे 47,000 रुपये लूट लिया, मुझे तमंचा दिखाया, जिससे मेरी हालत ख़राब है। मैंने अपने घर के वालों को बताया तो उनको भयभीत है, मैं मुरादाबाद नहीं आऊँगा ना कारोबार करूँगा। तो ये हमारे शहर के शान के खिलाफ था कि कोई बाहर का आदमी आए और यहाँ लुट जाए। तो हमने इसकी शिकायत सीओ मैडम से की, सीओ कोतवाली से। वो फिर हम एसपी सिटी साहब के पास गए, उन्होंने भी हमारा सहयोग करा। एक व्यापारी की शिकायत आई थी कि आज सुबह जब वो 4 बजे यहाँ आया था, तो लेपट के सिपाहियों ने उसके साथ उसके पैसे ले लिए थे डरा करके। उनकी शिकायत ले ली गई है, उस पर हम लोग प्रत्यय कुछ प्रकाश में आए, तो उसके आधार पर मुकदमा कायम कराया जा रहा है और सिपाहियों को SSP सर के द्वारा सस्पेंड भी किया गया।